जय हिंद। इस वीडियो में हम कुल दो पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एक का नाम है जॉनसन फार्मा के और दूसरे का नाम है जेपी पावर। एक के शेयर प्राइस में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, वहीं दूसरे के शेयर प्राइस में हल्का डाउन देखने को मिला। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस तेजी और डाउन होने के पीछे का असली वजह क्या है और दोनों शेयर में अस्थायी रूप से तेजी देखने को कब मिलेगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जॉनसन फार्मा केयर से। देखिए, जॉनसन फार्मा केयर नाम से जैसा लग रहा है कि मेडिकल सेक्टर की कंपनी है, ऐसा नहीं है। यह फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। हालांकि कंपनी को अपना नाम चेंज करना चाहिए, नाम के हिसाब से इसका जो काम है वो मेल नहीं खाता है। खैर, यहाँ समझेंगे। मार्केट कैप है 67 करोड़ रुपया, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है, एकदम पेनी स्टॉक में पेनी स्टॉक है। और शेयर प्राइस देखेंगे 1.22 रुपया है और आज इसमें 3.39% की शानदार तेजी देखने को मिली है। इसी कंपनी के बारे में मैंने कह रहा था कि एक में अच्छी तेजी देखने को मिली और दूसरे में डाउनफॉल देखने को मिला, तेजी इसमें देखने को मिली है। और ये जो तेजी देखने को मिली है इसके बदौलत अब लग रहा है कि इसने जो अपना हाई लगाया था 1.58 रुपये का, उसको अब पार कर देगा। समझेंगे, ये हाई लगाया था 1.58 रुपये का इसी साल फरवरी में, 10 फरवरी को, और इसके बाद तुरंत अप्रैल में फिर एक बार हाई लगते लगते रह गया। अप्रैल में 8 अप्रैल के दिन इसने 1.48 रुपये के करीब शेयर का प्राइस पहुंच गया था। लगा कि इस हाई को ब्रेक कर देगा, लेकिन वहां पर जो लोग ऊपरी लेवल पर बाई किए थे थोड़ा, वो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहें, वहां पर फिर शेयर प्राइस डाउन चला गया। लेकिन इस बार जो तेजी देखने को मिल रहा है तो ऐसा उम्मीद है कि इस बार अपने हाई को ब्रेक कर देगा। RSI भी देखेंगे 50 के आसपास और अप ट्रेंड में है, तो आराम से शेयर प्राइस अभी ऊपर ही जाएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और रेजिस्टेंस लेवल भी देखेंगे, चूंकि ऊपर जा रहा है तो पहले रेजिस्टेंस लेवल की बात करना जरूरी है। तो पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 1.35 रुपया, अगर इसको पार कर दिया तो दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा यही 1.48 रुपया, और इसको पार कर लेगा तो आराम से अपने हाई तक पहुंच जाएगा और उससे भी फिर ऊपर ही जाएगा। और अगर मान लेते हैं, देखिए शेयर बाजार में कुछ फिक्स तो होता नहीं है, हो सकता है अभी आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, कल डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट लेवल है 1.17 रुपये का, इससे नीचे नहीं जाएगा, इसी के बीच में ट्रेड करता रहेगा। अब यहां समझेंगे, ये एक ऐसा स्टॉक है जो साल में एक बार स्प्लिट करते हैं अपने शेयर को और एक बार बोनस भी देता है, मतलब हर एक साल ये दो काम जरूर करता है। होता क्या है कि जैसे इसी साल देखिए, इसने स्प्लिट किया था जनवरी में 1:10 के रेशियो में, इसने अपना शेयर स्प्लिट किया था और बोनस भी दिया था अप्रैल में 1:10 के रेशियो में बोनस दिया था। मतलब ये कि मान लीजिए आपके पास इस कंपनी के अगर एक शेयर थे तो जनवरी में 10 शेयर हो गए होंगे और फिर इसने अप्रैल में बोनस दिया 1:10 का, यानी कि 10 शेयर पर एक शेयर एक्स्ट्रा दिया, तो आपके पास थे कुल 10 शेयर और अब हो गए 11 शेयर। तो यही इस कंपनी में चलते रहता है, स्प्लिट बोनस, बोनस स्प्लिट, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते रहते हैं। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि जब भी कंपनी शेयर स्प्लिट करती है या बोनस देती है तो उससे कंपनी में लिक्विडिटी तो बढ़ती है, लेकिन शेयर का प्राइस कम हो जाता है। जैसे यहाँ 1:10 के रेशियो में इसने अपना शेयर स्प्लिट किया तो इसका जो फेस वैल्यू था 10 रुपया, वो भी 1/10 हो गया, 10 रुपया का जो फेस वैल्यू था वो 1 रुपया का रह गया, उसी हिसाब से शेयर प्राइस भी कम हो जाता है। तो ये जब भी कंपनी शेयर स्प्लिट करती है बोनस देती है तो उससे कुछ खास फायदा नहीं होता है। हाँ, आपका नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाता है, बस यही एक फायदे की चीज़ है। अब यहाँ समझेंगे, इस कंपनी की अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो फाइनेंशियल कंडीशन भी पेनी स्टॉक के हिसाब से बढ़िया है। कर्जा है सिर्फ 71 लाख रुपये का, 71 लाख रुपये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, जबकि इसके पास रिजर्व है 8.63 करोड़ रुपया, तो जब चाहे अपना कर्जा चुका सकता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू 1.07 रुपये, यानी कि इस हिसाब से भी बढ़िया, पेनी स्टॉक का बुक वैल्यू 1 रुपया से अधिक होना चाहिए तो इसका है। फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो बेशक आप समय दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, आपको फायदा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे कंपनी के ऊपर जिसका नाम है, इस कंपनी का पूरा नाम है जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। देखेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप है 5037 करोड़ रुपया, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और शेयर प्राइस है 7.35 रुपया और आज के दिन इसमें 0.68% की हल्का गिरावट देखने को मिला है। अब समझिए, ये गिरावट इसलिए देखने को मिला, आजकल बहुत न्यूज चल रही है कोयले की शॉर्टेज हो गई है, तो इस वजह से लोग यहाँ पर निकलना चाहें, और दूसरा ओवरऑल मार्केट तो डाउन जा ही रहा है, मार्केट में इन दिनों वोलेटिलिटी बहुत बनी हुई है, ये भी कारण है। लेकिन इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे कोयला शॉर्टेज को, फिलहाल यहाँ समझिए, इसमें आज वॉल्यूम देखने को मिला 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ शेयर खरीद बिक्री किए गए, जबकि फ्राइडे के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो यह वॉल्यूम था 7 करोड़ के आसपास, लेकिन चूंकि यह सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था और खरीदारी भी कम हुई तो इसमें वॉल्यूम भी कम देखने को मिला। इसका अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें, फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास बुरा नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। अभी तो Q4 का रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन Q3 का जो रिजल्ट आया था उसमें कंपनी का रेवेन्यू 948 करोड़ से बढ़कर 1452 करोड़ हो गया था। Q2 में था 948 करोड़, Q3 में बढ़कर इतना हो गया, रेवेन्यू शानदार हुआ था तो प्रॉफिट भी शानदार होना था। इसका प्रॉफिट Q2 में था माइनस में था, लॉस मेकिंग कंपनी थी Q2 तक, लेकिन Q3 में लॉस से प्रॉफिट में आ गई, 106 करोड़ का डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ, इतना से इतना बहुत कम समय में इसने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट प्राप्त किया। इसी बेसिस पर अब उम्मीद है कि जो Q4 का रिजल्ट आएगा वो भी तगड़ा आएगा, और जब रिजल्ट तगड़ा आएगा तो शेयर प्राइस में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, इस बात को आप मान के चलिए। और इस कंपनी का बुक वैल्यू है 15 रुपया,
₹15 बुक वैल्यू एक पेनी स्टॉक है, काफ़ी बड़ी बात है। और यहाँ से देखेंगे तो इसका जो शेयर प्राइस है अभी अपने बुक वैल्यू से बहुत कम है, यानी कि सस्ता मिल रहा है। तो अगर कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी परफेक्ट टाइम है। और आप अगर पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आप समय दीजिए, आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा। अब समझिए, इसमें प्रमोटर्स ने अपना हिस्सेदारी घटाया है। क्वार्टर फोर का जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर सामने आया था उसमें प्रमोटर्स होल्डिंग 26.02% से कम होकर 24% रह गई है, जबकि विदेशी निवेशक जो होते हैं FII जिसको कहते हैं उन लोगों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 1.02 से बढ़ाकर इन लोगों ने अपना स्टेक 1.20% कर लिया है। देखिए जितने विदेशी निवेशक हैं वो भारत के एनर्जी सेक्टर की जो कंपनियां उसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ जेपी पावर में ही देखने को नहीं मिला, सुजलॉन में भी देखने को मिला और भी तमाम जो एनर्जी सेक्टर से कंपनियां बिलोंग करती हैं उसमें FII ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ये अच्छी बात है कि विदेशी निवेशक अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भारत में जैसे कोयले का शॉर्टेज होने वाला है, लेकिन आप खुद बताइए अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो उसका डिमांड बढ़ता है, तो जब डिमांड बढ़ेगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है। और रही बात कोयले की शॉर्टेज कहीं नहीं, सरकार ने भी कहा है कि पर्याप्त कोयला है। यह जो कंपनी जेपी पावर, इसके पास ऑलरेडी 2 कोयला प्लांट है मध्य प्रदेश में और लगभग इसका क्षमता 250 मीट्रिक टन, तो इसके लिए कोयला की कमी की कोई चिंता की बात नहीं है। और जेपी पावर और मध्य प्रदेश की जो सरकार है उनका ज्वाइंट वेंचर है इस कोयला प्लांट के लेकर, तो जब इसमें गवर्नमेंट के हाथ है, गवर्नमेंट के सहयोग से इसका काम धंधा चल रहा है, तो इसको इसके जो शेयर होल्डर्स उनको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ना कोयले की कमी है, ना इसके बिजनेस मॉडल में कोई कमी है, ना इसका जो बिजनेस मॉडल है वो आने वाला समय में कम होने वाला है उसका डिमांड, और उसका डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब समझिए एनर्जी सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं भारत में, आप मान के चलिए कि एनर्जी सेक्टर भारत का भविष्य है और इस तरह की जो कंपनियां भारत में आने वाले समय में उनका डिमांड और बढ़ेगा, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां हो या पावर सेक्टर में थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली बनाने वाली कंपनी हो, इसके बिजनेस मॉडल में उसके डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी। आपका इन्वेस्टमेंट अगर इस कंपनी में है तो आप लॉन्ग टर्म के नजरिया से सोचिए, जितने भी भारत में एनर्जी सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें आप लंबी अवधि के लिए अगर बनते हैं तभी कंपनियां आपको अच्छा खासा कमा कर देंगी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, मैंने जो बातें बताई आपको समझ में आई होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट में पूछे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए जहां शेयर बाजार से संबंधित प्रतिदिन के उठक पठक और उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।